झारखंड में ईडी की दबिश एक बार फिर देखने को मिली है। लंबे समय से अनुसंधान के घेरे में साहिबगंज का मनी लॉन्ड्रिंग मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। ईडी ने इस मामले में एक प्रेस रिलीज जारी कर साहिबगंज में 1000 करोड़ से अधिक का अवैध खनन होने की बात कही है। देखिए एक रिपोर्ट। अवैध खनन मामले में न्यायिक हिरासत झेल रहे पंकज मिश्रा के संबंध में ईडी ने नया खुलासा किया है। अपनी चार्जशीट में ईडी ने खुलासा किया है कि साहिबगंज जिले में पंकज मिश्रा की देखरेख में 1000 करोड़ रुपए से अधिक का अवैध खनन हुआ है। इस संबंध में ईडी ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार पंकज मिश्रा को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। अपने प्रेस रिलीज में ईडी ने कहा है कि पंकज मिश्रा से संबंधित ठिकानों पर छापेमारी कर 5,34,00,000 कैश, 13,32,00,000 बैंक बैलेंस, तस्करी के लिए इस्तेमाल की गई एक स्टीमर बोट जिसका पंजीकरण पश्चिम बंगाल का है, 5 स्टोन क्रशर और 2 हाइवा ट्रक शामिल है। 19 जुलाई को पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद 47 जगहों पर छापेमारी की गई। ईडी का कहना है कि पंकज मिश्रा को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। 1000 करोड़ के हुए इस अवैध खनन में ईडी के अनुसार पंकज मिश्रा के हिस्से 42 करोड़ है। फिलहाल इस मामले में अनुसंधान जारी है। अब देखना है कि आगे होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस, रांची।